6 सितंबर की सुबह जब ताजा टीवी की टीम 700 पहाड़ियों वाले एशिया के सबसे घने जंगल सारंडा के बीच स्थित थालकोबाद पहुंची तो वहां का नजारा कुछ यूं था। फोर्स की क्रूरतापूर्ण कार्रवाई के बाद पूरे गांव के लोग पलायन कर चुके थे। गांव में अगर कोई बचा है तो वो है 65 वर्षीय बुजुर्ग टूपा हुनहांगा और उनकी पत्नी जो लकवा से पीड़ित है। वहीं फोर्स के जाने के बाद कुछ लोग अपने घर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन घरों में रहने के लिए नहीं बल्कि अपने बचे खुचे सामानों को समेट कर ले जाने के लिए। हम तो घर में छिपाता ऐसा तर तरह ऐसा ऐसा कर रहा था और उसको शान सुन हो गया। उसके बाद हम लोग घर से निकल गया, उसके बाद भाग गया। क्या कारण है कि सब गांव छोड़कर भाग गए? वो पुलिस लोग के डर में। तो पुलिस के डर से गांव से भाग गए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, इस गांव में कितने लोग रहते होंगे? लगभग रहते हैं बहुत कम से कम 40-45 घर रहे हैं। खाली मुर्गा उर्गा खा लिया। अच्छा। हाँ, खस्सी खा लिया। आप लोग घर में भी अनाज है कि नहीं? अनाज तो नहीं है सब, बैला बकरी सब घोस के खा के खाता। वो बोल रहा था जंगल वाला लोग के साथ रहते हो? हाँ, रहते हो बोलता है। अच्छा। हम बोल हम उसको देखा नहीं है। वो बुरा कोई दिया नहीं बोलते। अच्छा। तो आप... मारा। अच्छा, कहाँ मारा? पांच लाठी मारा। हाँ। कहाँ कहाँ मारा है? कमर में दो बार और बदन में दो बार और हाथ में एक बार। कि पुलिस आके उनको बोल रहा था कि नहीं आपका बेटा माओवादी है, तो क्या ऐसा है क्या? हाँ नहीं, ऐसा मेरा मादी जी हमको दिखाई दे रहा भाई। ये दरवाजा का ताला वाला तोड़ दिया और पूरा सामान को चौपटे कर दिया। वो नहीं माल, ये माओवादी का माल पहुंचाता था और ये गोली वोली पहुंचाता था। हम गोली देख कैसा दिखाई था हमको मालूम है नहीं था। और वो सब बोलता था पुलिस वाला सब कुछ नहीं है, खाली घर खाली है और घर को भी जला देंगे बोल के बोल रहा था पुलिस वाला सब। उस दिन ले गया तो ठीक है, रात भर उसे उन लोग का यहाँ पुलिस के यहाँ रह गया। दूसरे दिन हमको 2 बजे हाथ ठांग के ऐसे मैंने लकड़ी में उल्टा ऐसे करके ठंगा, उसका बंद पीटा और लात उत से मारा है बस। क्या जैसे जंगल वाला जो सामान उमान लेके आता है या बंदूक या कोई रखता है घर में? नहीं है सर, हम नहीं जानते, बस नहीं जानते, मारने से भी नहीं जानेगा। उसका बाद बहुत मैंने 2 घंटा ठंगाया तो हम बोला कि पुलिस अब आदेश है, आदेश लेके आया हमको गोली से मार दीजिए, लेकिन हमको जानकारी नहीं है बस उतनी हम बोला। उसका बाद हमको उतार दिया, उसका बाद हमको छोड़ा। इन्हों को सीआरपी पकड़ के गांव का चबूतरा में लिया। अच्छा। वहाँ में बंद करके गांव वालों को पूरा बुलाया, उसके बाद में कुछ 15-20 आदमी को बंद करके रखा। उसका दूसरा दिन 29 तारीख को वो सीआरपीएफ अपना सामान ढुलवाने के लिए प्लस रास्ता दिखाने के लिए लिया। अच्छा। उसके बाद में 29 तारीख का रात को बहादा जंगल में टहरा, कोई आ गया था जो साथ में लिया था इन लोग और मंगल पीछे में। अच्छा। तो वही पेशाब करने के जा रहा था तो ये सीआरपीएफ लोग बोला कि ये भाग रहा है। अच्छा। पीछे से 3 गोली मारा। अच्छा अच्छा। जब ये लोग आगे में था और ये लोग लास्ट टो करके जा रहा था, ये देखने चाहा, देखने नहीं गया। अच्छा। दूसरे दिन सुबह पता चला कि मेरा भाई गोली से मार दिया गया। अच्छा अच्छा। मौलिक सुविधाओं से कोसों दूर घने जंगलों के बीच खेतीबाड़ी कर कंदमूल खाकर जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों से जीने का अधिकार छीना जा रहा है, वो कहीं न कहीं ग्रामीणों को विस्थापित करने की एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है। ये पूरा ऑपरेशन जो चल रहा है जा रहा है, इसके पीछे पूरा माइनिंग लॉबी है। सरंडा में पूरा आयरन ओर पड़ा हुआ है। झारखंड सरकार ने 19 माइनिंग कंपनियों के साथ एमओयू किया है। ये चाहते हैं, चूंकि झारखंड में आप देखेंगे, पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो 104 एमओयू हुआ है। लोग विरोध कर रहे हैं, जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो अभी सरंडा में भी वही हालत है, सरंडा में भी बहुत लंबी लड़ाई चल रही। तो पुलिस और पूरा प्रशासन और माइनिंग लॉबी चाहता है सरंडा जंगल को खाली कर दिया जाए ताकि वहाँ पे माइनिंग अच्छा तरह से किया जाएगा। और जब अत्याचार करेंगे लोगों का, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे, आजीविका के लिए कुछ नहीं, लोगों को डराया धमकाया जाएगा तो स्वाभाविक है लोग गांव छोड़ेंगे। और थोलकोबाद में लोग गांव छोड़ रहे हैं, तो ये पूरा वेल प्लान माइनर में किया जा रहा है ताकि लोग गांव छोड़ेंगे, वहां विरोध नहीं होगा और वहां पे आराम से माइनिंग किया जाएगा। जितने भी आयरन ओर है उसको निकाला जाएगा और विदेशों में बेचा जाएगा।
नक्सली उन्मूलन के नाम पर जिस तरह बर्बरता पूर्वक ग्रामीणों से जीने का अधिकार छीना जा रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।